भाई ये विवादित स्वभाव के गालीबाज एसडीएम है, ये बिना गाली दिए मानते ही नहीं। इन्होंने मुझे लास्ट में ये बोला कि तू पीटेगा जैसे जनपद सीओ पीटा है, उसी प्रकार तेरी पिटाई करवाऊंगा। अब सेवरिया में तो हमको रावण राज दिख रहा है कि यहाँ रावण राज है बिल्कुल। जिला के बाहर ही चले गए, जिला में तो रहे ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक तानाशाह एसडीएम की तानाशाही से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर लेकर। आपको बता दें कि सिरमौर तहसील में पदस्थ एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री अपने क्रियाकलापों के लिए आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। एसडीएम का विवादों से पुराना नाता भी रहा है, जिसके कारण ही कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लेकर अधिवक्ता तक इनकी सिरमौर सिमरिया क्षेत्र में पदस्थापना का विरोध दर्ज करा चुके हैं। लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त एसडीएम श्री अग्निहोत्री की तानाशाही बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि एक बार फिर एसडीएम के द्वारा की गई अभद्रता की शिकायत करने वालों के खिलाफ की जा रही तानाशाही के विरोध में अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ताओं ने बताया कि विगत वर्षों नीलमणि अग्निहोत्री का स्थानांतरण विरोध करने के बाद उमरिया कर दिया गया था। उस समय अधिवक्ताओं ने उन्हें पुनः सिमरिया सिरमौर में पदस्थ न करने की मांग करते हुए तत्कालीन एसडीएम को पदस्थ रहने देने की मांग की थी। दुर्भाग्य ये कहेंगे कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री सिरमौर एसडीएम कार्यालय में अपनी पदस्थापना दोबारा करवाने में कामयाब हो गए और अब जिन अधिवक्ताओं ने उनका विरोध किया था उनसे ये नीलमणि अग्निहोत्री एसडीएम अपनी लगातार प्रतिद्वंदिता साबित कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये एक प्रतिद्वंदी के रूप में लगातार अधिवक्ताओं से बदला लेने का काम कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके मामलों को लगातार 5 से 6 महीने तक पेंडिंग रखा जा रहा है, उनके पक्षकारों की सुनवाई नहीं हो रही, अनाप शनाप फैसले देकर प्रताड़ित किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने कलेक्टर को पत्र लिखकर मांग की है कि अगर नीलमणि अग्निहोत्री का स्थानांतरण सिरमौर सिमरिया से नहीं किया जाता तो एक बार फिर अधिवक्ता कोर्ट का कार्य बंद कर देंगे। आपको बता दें कि नीलमणि अग्निहोत्री बात बात पर अपना आपा खोने वालों और स्थानीय विधायक के विरोधियों को दमन करने के लिए चर्चा में बने रहते हैं। उसी का परिणाम है कि आज ऐसे अधिकारी को हटाने के लिए जहां स्थानीय क्षेत्र के लोग भी विरोध कर रहे हैं, वहीं अधिवक्ता एक बार फिर एसडीएम की कारगुजारियों से तंग आकर काम बंद करने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिसका खामियाजा एक बार फिर क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ सकता है। आइए आपको सुनाते हैं कि सिमरिया सिरमौर तहसील में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं की किस तरह से नीलमणि अग्निहोत्री की तानाशाही लगातार हावी हो जा रही है और लगातार अधिवक्ताओं पर इनकी तानाशाही जारी है। मैं अधिवक्ता राजकुमार मिश्रा जी तहसील सिमरिया रीवा सिरमौर में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पर अपने तहसील सिमरिया और सिरमौर अनुभाग में अनुभागीय अधिकारी नीलमणि अग्निहोत्री जी हैं जी, जो गुंडा मिजाज के अधिकारी हैं। ये काफी लंबे समय से अधिवक्ताओं को टॉर्चर कर रहे हैं जी। 2 वर्ष के पूर्व अनुभागीय अधिकारी को हम अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता जो की गई थी उसमें हम लोग 2 महीना का लगातार उनका कार्यालय का बहिष्कार किया जी। और बहिष्कार होने के बाद शासन प्रशासन के दबाव के कारण इनका जिला से बाहर ट्रांसफर किया गया था जी। फिर उन्होंने राजनीतिक रसूख पर राजनीतिक लाभ लेते हुए क्षेत्रीय नेताओं से इनकी अच्छी सेटिंग है, उस सेटिंग के आधार पर ये पुनः अपमानित हुए, लेकिन इनको अपने आप में लज्जा नहीं आई। ये पुनः हम लोगों को टॉर्चर करने की मंशा से 2 तारीख को क्या हुआ था आपके साथ तहसील सिमरिया और सिरमौर अनुभाग में आए जी। दिनांक 2/9/22 को जी एक प्रकरण अपील में लगा हुआ था जी। मेजर सिंह वगैरह विरुद्ध उमा सिंह रोशनी यादव वगैरह जी जी। इस अपील प्रकरण में मैं अधिवक्ता नियुक्त रहा रेस्पॉन्डेंट की ओर से जी। मैं उस प्रकरण में आपत्ति लगाने के लिए गया जी। उस आपत्ति प्रकरण के दौरान मैं अपर आयुक्त महोदय रीवा का आदेश स्थगन और सिविल न्यायालय के ऑर्डर शीट की कॉपी एक आपत्ति के साथ में पेश किया जी। उस आपत्ति के दौरान अनुभागीय अधिकारी हमारे अपने डेस्क पर जी हमें अपमानित किया जी। अमर्यादित शब्दों को बोलते हुए इन्होंने हमें कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें कानून विधि का कोई ज्ञान नहीं है जी, तुम कुछ नहीं जानते हो जी। तब हमने उनको बोला कि आप ऐसा हमें नहीं बोल सकते जी, हमें ज्ञान है या नहीं है, मैं अधिवक्ता नियुक्त हूँ, आपको प्रकरण में जो भी पैरवी है अधिवक्ता की लेनी पड़ेगी जी। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं जानते हो, इस प्रकरण में कुछ नहीं तुमको आइडिया है,
भाई ये विवादित स्वभाव के गालीबाज एसडीएम है, ये बिना गाली दिए मानते ही नहीं। लोग कहते यही है कि विधायक जी क्लासमेट है, कहीं कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। भाई बिना आर्थिक लाभ लिए अनुभागीय अधिकारी कोई आर्डर पारित नहीं करते, जो भी दो नंबर के काम होते हैं ये बिना घूस लिए आर्डर करने वाले नहीं है। प्रकरणों की जाँच करा ली जाए, मैं वरिष्ठ अधिकारियों से मांग करता हूँ कि इनके पास हजार संख्या में प्रकरण रखे हुए हैं पेंडिंग में, जिनमें लाभ नहीं मिलता उनको पेंडिंग में रखे हुए। इन्होंने मुझे लास्ट में ये बोला कि तू पिटेगा जैसे जनपद सीओ पिटा है उसी प्रकार तेरी पिटाई करवाऊंगा, ऐसी उन्होंने हमको धमकी दी। अब यही होगा सिमरिया में? अब सिमरिया में तो हमको रावण राज दिख रहा है कि यहाँ रावण राज है, बिल्कुल कोई प्रशासन दिखने वाला नहीं है, न कोई अधिकारी इसकी परवाह करने वाला। हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमारे विधायक, हमारे सांसद, ये कोई इसकी देखभाल करने वाले नहीं, चाहे जनता पीटे चाहे वकील पीटे। पूर्व में अभी हमारे विधायक जी के बहुत खास अधिवक्ता जो श्रीकांत मिश्रा जी हैं, उनके साथ अभद्रता की गई थी, तब वो कार्यालय के भीतर फांसी लगाने जा रहे थे, तब हम अधिवक्ताओं ने समझाइश देकर के विवाद को शांत कराया। इसके पूर्व में राजकुमार पांडे अधिवक्ता से विवाद हुआ, और इसके पूर्व में एक शुक्ला हमारे अधिवक्ता है श्याम किशोर शुक्ला जी, उनके साथ विवाद हुआ। ऐसा इनका विवाद होता ही रहता है जी। तो आप हमारे विरुद्ध इनकी जालसाजी तैयार की जा रही है, जानलेवा हमला हमारे ऊपर कराया जा सकता है। हमें शंका है कि कोई विवाद होता है मेरे साथ तो ये माना जाना चाहिए कि इसमें अनुभागीय अधिकारी का पूरा हाथ है जी, बिल्कुल। इसके अलावा कोई हमारा विरोधी नहीं है जी, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम किसी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं रखते। मैं स्पेशल अधिवक्ता का कार्य करता हूँ, इसलिए हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, पर अनुभागीय अधिकारी से दिक्कत है। मैं अपने जिला संघ कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के आवेदन शिकायत दिया हूँ, कमिश्नर महोदय कलेक्टर महोदय को इससे अवगत कराया हूँ, और सचिवालय भोपाल में भी इसकी कापी भेजा हूँ। अपनी ओर से हमने शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसे बड़बोलेपन, ऐसे गालीबाज अधिकारी जो गुंडा मिजाज का, उसको जिला से बाहर किया जाए। क्या हुआ था आपके तहसील में 2 तारीख को? आपके साथ ही अधिवक्ता है कोई उनके साथ में? हाँ, राजकुमार मिश्रा जी। जी क्या है, वो अपना कागज देने गए। जी तो हो सकते, तो जब वो कागज देने गए जी, तो उनका कागज लिया ही नहीं जा रहा था एसडीएम साहब के द्वारा। जी फिर उनने कहा कि किस धारा पे दे रहे हो? उनने बताया कि हम 17 पे दे रहे हैं। जी फिर स्थगन भी था कमिश्नर के यहाँ उसी अराजी पे जी, पर उनने स्थगन को नहीं माना कि इसमें मेरे आदेश पे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उनने उल्टा सीधा उनसे बातचीत करना चालू कर दिया, अभद्रता की उनसे। आम जनता से मैं कह रहा था कि हो का बताई, अरे अच्छी तरह नहीं है कि जो है तो बताने लायक। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे डीएम को जी जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए जी। चलिए, रीवा जिला के बाहर ही चले जाए, रीवा जिला में तो रहे ही नहीं चाहे। तो देखा आपने, कहने को तो शासक और प्रशासक जनता के सेवक होते हैं, लेकिन किस तरह से शासक के संरक्षण में प्रशासक जनता का शोषण कर रहा है। जब कोर्ट में बैठने वाला अधिकारी सत्ताधारियों के दबाव में इस तरह के फैसले करेगा, तो आम जनता कैसे न्याय की आशा रख सकती है। हमें दीजिए इजाजत फिलहाल के लिए, देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।